झांसी के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुसरण से संबंधित प्रगति पुस्तिका विकास कार्यक्रमों से समीक्षा बैठक की। बैठक की जिला अधिकारी ने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में स्थिरता व लापरवाही बरतने पर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में समस्त मुख्य सड़कों पर गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, उन्हें आश्रय स्थल में संरक्षित गौवंश के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए और वहां भूसा और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गांव के अस्वस्थ पशु तक अवश्य पहुंचे चिकित्सक लापरवाही ना बरतें। जिला अधिकारी ने बैठक में उपस्थित बीएसए ने एनएचएआई द्वारा कितने स्कूल ध्वस्त किए गए अथवा कितने स्कूल आंशिक रूप से सड़क बनाए जाने से गिराए गए हैं, इस पर जानकारी प्राप्त की तथा सभी के निर्माण हेतु एस्टीमेट बनाए जाने की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारियां उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की और अग्रिम आदेश तक उनकी वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सोलर पंप योजना, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग, कन्या सुमंगल योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की और प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, डीएफओ एमपी गौतम, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, डॉक्टर एन के जैन सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।